वेलकम टू स्टडी पॉइंट। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 40। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, ठीक है सर। तो इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है, एरिया ऑफ ए सेक्टर, ठीक है, ऑफ एंगल पी, जो एंगल दिया हुआ है वो पी दिया हुआ है और बात कर रहा है एरिया ऑफ सेक्टर की, एरिया ऑफ सेक्टर। आपसे क्या कह रहा है, ऑफ ए सर्किल विद रेडियस आर, जो रेडियस है वो आर, बस इतना सा ही क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल, सेक्टर एंगल पी एंड रेडियस आर। तो आपको मालूम होना चाहिए एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाई रेडियस, ये ध्यान रखना, आर स्क्वायर थीटा, ये ध्यान रखना, पी अपॉन 360। समझ में आया, ये आंसर है बस। मैंने आपसे कहा एरिया ऑफ सेक्टर कहेगा तो एरिया ऑफ सर्किल निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्किल क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। थीटा को उसने पी कह दिया तो हम भी पी कह देंगे, लेकिन उसने यहां चालाकी क्या की है कि जो ऑप्शंस दिए हैं वो ऑप्शंस दिए हैं आपके पास पी अपॉन 180 इंटू 2 पाई आर, ठीक है सर, ये ऑप्शन दिया। फिर आपसे ऑप्शन क्या कह रहा है, पी अपॉन 180 पाई आर स्क्वायर। फिर आपसे क्या कह रहा है, पी अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, और आपसे क्या कह रहा है, पी अपॉन 720, ठीक है सर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो कोई भी उस फॉर्म में नहीं है, ऑप्शन आपके पास है, या तो उसको इस फॉर्म में करो या इसको कैंसिल करके उस फॉर्म में कर लो। भाई पहली तो बात यह है, जहां भी आर आ रहा होगा वो एरिया हो नहीं सकता, वो एरिया हो ही नहीं सकता, तो आर स्क्वायर चाहिए। तो आर स्क्वायर हमारे पास यहां है या यहां, ठीक है सर, लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो यहां 180 आ रहा है, तो ये गलत हो गया। यहां आ रहा है कि थीटा अपॉन 360 की जगह 7, लेकिन यहां 2 है, अगर आप कैंसिल करना चाहें तो आंसर वही आ जाएगा, थोड़ा सा शक्ल चेंज करके उसने वही ऑप्शन रखा। आगे से समझे, हमारा ऑप्शन कौन सा है, डी, क्लियर है। कोई और क्वेश्चन किसी को, एग्जाम्पल 4 आपसे क्या कह रहा है, इन फिगर 12.50, ये हमारे पास थर्ड एक्सरसाइज का एग्जाम्पल 4 है, ठीक है सर, ध्यान से जरा। आपसे क्या कह रहे हैं, टू सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैव बीन शोन ऑन द टू साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है सर, आपके पास क्या है, स्क्वायर, क्या दिया हुआ है, आपसे क्या कह रहे हैं, टू सर्कुलर फ्लोर बैग्स हैव बीन शोन ऑन टू साइड्स ऑफ ए स्क्वायर लॉन एबीसीडी ऑफ साइड 56, ए बी सी डी ऑफ साइड 56, ठीक है जी, मीटर, यस मीटर, ये आपके पास हो गया 56। हमसे क्या कह रहा है, इफ द सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर फ्लोर बेड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर लॉन, आपके पास क्या है, आपके पास ये डायगोनल्स हैं, और ये यहां इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे, और ये मेरा सेंटर है। अब जरा ध्यान से देखना, और मैंने ऐसे ये फ्लोवर बेड बनाए हुए हैं, अगर ये रेडियस इसको टच कर रही है तो ये रेडियस हो गया ना, कल से अगर ये लाइन इसको टच कर रही है, क्यों भाई, ये क्या हो गया, रेडियस हो गया,
ये ऐसे, अगर हमारे पास कोई भी सर्कल हो और उसको आप सेंटर से टच कर रहे हो तो वो तो उसका रेडियस हो गया ना, तो ये इसका रेडियस हो गया ये आर, अब इसको यूज करेंगे। और ये हमारे पास इसका भी ऐसे ही सेम, इसका भी रेडियस यही है, ये आपके पास ठीक है सर। तो आपके पास एक स्क्वायर है और एक सर्कुलर बेड है। अब जैसे ही आपको स्क्वायर दिया इस, ठीक है सर, अब हमारे पास सर्कुलर बेड है तो ये आपके पास हो गया मिड पॉइंट होगा भाई, सीधी सी बात। अगर आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पता हो, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं, एंड परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, तो इसका मतलब दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं और ये जो मिड पॉइंट, ये जो ओ होगा ये मिड पॉइंट होगा और ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट, तो इसका मतलब ये हमारे पास 90 हो गया, क्वाड्रेंट हो गया, क्या हो गया। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डायगोनल क्या है। अब डायगोनल आपके चॉइस है, या तो आपको मालूम होना चाहिए, मैं डायरेक्ट लिख भी सकता हूं, क्योंकि जो डायगोनल होता है स्क्वायर में आप लिख सकते हो साइड रूट टू होता है, क्या होता है, प्लीज ना देखो भाई आपके पास ये स्क्वायर है तो ये दोनों साइड सेम होंगे, ये 90 होगा है ना, ये क्या होगा 90, तो आप डायगोनल निकालोगे तो पाइथागोरस लगाओगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, ये टू टाइम आ जाएगा, कितने टाइम आ जाएगा, आप अंडर रूट लोगे तो स्क्वायर का अंडर रूट ए आएगा, टू का अंडर रूट ए, अगर आप लिख दोगे कि डायगोनल इज साइड रूट टू तो भी काम चल जाएगा, नहीं तो आप फाइंड कर लो, आप साइड कितनी है सर 56, तो फिर हमारे पास डायगोनल कितना आ गया भाई, ठीक है सर, तो ये हो गया 56 रूट टू, डायगोनल 56 ले आइए पीछे से ले आइए, इसे मिला के बंद कर दीजिए वहां से, वो लगा दीजिए पीछे से ला के ले आइए इसका माइक ले, तो अगर डायगोनल 56 रूट टू है वो मिड पॉइंट होगा तो इसका हाफ हो जाएगा, तो सर्कुलर बेड का रेडियस क्या हो जाएगा भाई, डायगोनल का हाफ, हाफ ऑफ डायगोनल, तो आपके पास आ जाएगा 1/2 ऑफ 56 रूट टू, कितना भाई, सर समझ में आ रहा है, ठीक है ये बस। अब आप कैलकुलेट करना चाहो तो आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि मुझे, मैंने आपसे क्या कहा, जो जो फिगर्स हैं वो मुझे मालूम चाहिए, अगर स्क्वायर है तो साइड पता होना चाहिए और अगर सेक्टर है तो रेडियस, ठीक है सर। अब आपसे देखो क्या कह रहा है, ये इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास, आपसे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द लॉन एंड द फ्लोवर बेड, द सेंटर ऑफ ईस्ट सर्कुलर फ्लोवर बेड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर लॉन, तो ये आपके पास स्क्वायर लॉन है और ये आपके पास फ्लोवर बेड है, आपको टोटल एरिया चाहिए, टोटल क्या चाहिए एरिया, तो सर हमारे पास जो फ्लोवर बेड है वो तो ये है, आप कोई बता सकता है फ्लोवर बेड क्या है, ये सेगमेंट है, क्या है, ये आपके पास सेक्टर हो गया, उसमें से आप ट्राइंगल माइनस करोगे तो एरिया ऑफ फ्लोवर बेड आ जाएगा, और लॉन तो एरिया ऑफ स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर, आप चाहे अलग अलग करें, मैं कोशिश करता हूं एक साथ सॉल्व करने की, तो आपके पास क्या आएगा, टोटल एरिया जो मुझे चाहिए था वो निकल चुका है, टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ लॉन, प्लीज इधर बेटे, एंड एरिया ऑफ फ्लोवर बेड, ठीक है, या सर्कुलर जो भी आपका चाहिए, तो एरिया ऑफ लॉन तो साइड का स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है ना वो, प्लस फ्लोवर बेड क्या है भाई, पहली बात तो दो है, कितने हैं, दो, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कह लो, एरिया ऑफ, पहले क्वाड्रेंट में से माइनस करोगे ना, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, और उसका क्या हो जाएगा, डबल, तो साइड का स्क्वायर कितना है भाई, 56 का स्क्वायर ट्वाइस, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है भाई, 1/4, पाई कितना होगा भाई, ठीक है, आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का 1/4 करना था, आर कितना हो गया भाई, 28 रूट टू का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब आप खुद, मैंने आपसे क्या कहा, 90 होगा, तो ये आपका बेस हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा,
वन बाय टू आर स्क्वायर अगेन 28 रूट टू का, सब कुछ समझ में आया? आप इनको चाहे अलग अलग कैलकुलेट कर लीजिए, बाद में प्लस कर दीजिए, चाहे आप एक साथ करें, ठीक है। आपके पास क्या आएगा भाई, रूट टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, टू, टू से आप इसे कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिए, करो छापा जल्दी से। 56 का स्क्वायर कितना होता है, कैलकुलेट कर लें आप, मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। ये हो गया टू, ठीक है, ये टू से 11, ठीक है, तो 11 इंटू 28 का स्क्वायर, रूट टू से रूट टू कैंसिल, अपॉन 7, ठीक है सर, माइनस रूट टू से रूट टू कैंसिल, 28 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये एरिया है, नोट करिए। कैलकुलेशन आपके हिसाब से जो भी आप करना चाहें, हमारा तो सिर्फ ये है कि आप करोगे कैसे इसको। जी बिल्कुल, कैलकुलेशन आपके हिसाब से, कॉमन ले लीजिए आप, सॉल्व कर दीजिए।